साथियों नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं बियंसो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे संस्था के बारे में जिसका निर्माण भारत रत्न महान समाज सुधारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। एक दौर था कि इस देश में SC ST के लोगों को अछूत माना जाता था। इस सभा की वजह से ही उनके नए युग की शुरुआत हुई। उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव आया। वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। इस संगठन का मेन उद्देश्य यही था। तो चलिए जानते हैं इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था, इस संगठन का निर्माण कब हुआ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस संस्था के बारे में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा अछूतों के आत्मसम्मान के नए युग की शुरुआत 20 जुलाई 1924 को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके लिए बंबई के दामोदर हॉल में दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं तथा अन्य वर्ग के समाज सुधारकों की एक बैठक हुई थी। उसमें तय किया था कि सरकार के समक्ष दलित वर्ग की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को रखने एवं समाधान पाने के लिए प्रयास करने चाहिए। संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध वकील चिमन लाल हरिलाल चितलवार को बनाया। इस संस्था के निम्न उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था, दलित वर्गों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए छात्रावास खोलना। दूसरा उद्देश्य ये था, लाइब्रेरी, सोशल सेंटर तथा स्टडी सर्कल खोलकर दलित जातियों में जागरूकता एवं संस्कारों का प्रचार करना। तीसरा उद्देश्य ये था, दलितों के आर्थिक सुधार के लिए इंडस्ट्रियल एवं एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना। चौथा उद्देश्य ये था, दलित वर्गों की विभिन्न समस्याओं को सरकार एवं समाज के साथ रखना तथा निवारण करना। साथियों आपने देखा कि इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था। इस संगठन का मेन उद्देश्य यही था कि SC ST OBC का समाज बढ़ चढ़ कर हर एक क्षेत्रों में हिस्सा ले, पढ़ लिख करके नौकरी के साथ साथ व्यवसायीकरण की तरफ भी जाए, हर एक क्षेत्र में जाए। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 60-70% लोग कृषि पर ही निर्भर है, उनकी आर्थिक आमदनी कृषि पर ही निर्भर है। तो साथियों हमें नौकरी के साथ साथ हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी जाने की जरूरत है, एंटरप्रेन्योर्स बनने की जरूरत है। बाबा साहब का जो सपना था कि हमारा समाज हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, उस सपनों को साकार करना ही इस संगठन का मेन उद्देश्य था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। और एक आपका छोटा सा सहयोग हमें और हिम्मत देता है कि हम और मेहनत करें और आप लोगों के लिए नई नई वीडियो और नई जानकारी लेकर के आए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।